एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक्स बहुत ट्रिकी होते हैं, जैसे अवबाहु, ब्रेकियल प्लेक्सस पैरालिसिस। वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। और आज की वीडियो में हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे इस टॉपिक अवबाहु को याद करने के। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम अवबाहु के बारे में पढ़ेंगे। यह एक वात व्याधि है। दोस्तों, वात व्याधि पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपको वात व्याधि का परिचय जानना है तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अवबाहु व्याधि के बारे में। अवबाहु को हम मॉडर्न में पैरालिसिस और द ब्रेकियल प्लेक्सस से रिलेट करते हैं। दोस्तों, ब्रेकियल प्लेक्सस आर्म को सप्लाई करता है। सो अगर इसका पैरालिसिस हो जाएगा तो आर्म के फंक्शंस में डिसेबिलिटी आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं माधव निदान का एक श्लोक, सिराश्च आकुंचय तत्रस्थो जनयेत अवबाहुकम्। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि सिरा में जब आकुंचन होता है तो उसी को हम अवबाहुक बोलते हैं। अवबाहु के निदान, पहला है वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन। दोस्तों, क्योंकि यह वात व्याधि है और वात के प्रकोप के कारण होती है, तो जो वात के निदान होंगे वही अवबाहु के भी निदान होंगे। इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से अवबाहु होता है। सेकंड है अक्षकास्थि का भग्न होना। दोस्तों, अक्षकास्थि का मतलब होता है क्लेविकल और भग्न होने का मतलब होता है नष्ट होना, मतलब फ्रैक्चर। तो अगर क्लेविकल हमारा फ्रैक्चर हो जाता है तो उससे भी अवबाहुक हो सकता है। थर्ड है अंश संधि का विश्लेष। अंश संधि का मतलब है शोल्डर जॉइंट और विश्लेष का मतलब है डिसलोकेशन। अगर किसी इंजरी या किसी भी वजह से हमारा शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है तो ये भी कारण बन जाता है अवबाहुक व्याधि का, मतलब पैरालिसिस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस का। दोस्तों, हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि अवबाहुक के सामान्य लक्षण क्या है ऑन द राइट हैंड साइड। सो पहला है कि अंश प्रदेश में अगर सिराओं में आकुंचन और संकोच होता है तो यह अवबाहुक का सामान्य लक्षण है। अंश प्रदेश, जैसा कि हमने बताया था, शोल्डर रीजन जो है उसमें अगर वेन्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो यही अवबाहु का सामान्य लक्षण है। दूसरा है हस्त की कार्य हानि होना। इसका अर्थ है लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ हैंड। अगर हम हैंड के फंक्शंस को कैरी आउट नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी अवबाहु का ही सामान्य लक्षण है। इट्स मच इन द सेम वे जैसे कि पैरालिसिस में होता है, लॉस ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो द सिम्टम ऑफ पैरालिसिस। सो दोस्तों, यह थी अवबाहुक व्याधि। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो ना यार डेंटल एंड आयुर्वेदा को। एंड दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमें कॉमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिएगा कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिन पर हम आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बना सकते हैं।